शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यार उसने मुझे देखा। ए, नहीं 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 नहीं, अरे उसने तुझे नहीं मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन रखे थे। हां तो उसने तुझे देखा? क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा। मुझे देखा ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी यार। एक बार देख तो लेती। चार खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए, चार नहीं तीन। चलो तीन नहीं दो नहीं, एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं। लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ मुझे दिखाई दे रही है। अबे मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल, बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है मेरे पास। अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस पैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ हाँ, तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुनसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते हैं। ओ बच्चू, क्यों आज नहीं फिर कभी? क्यों इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया गठरी मार के आ। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मर जाऊंगा। चिल्ला मत, गोटी लोचे हो जाएंगे। अबे सुअर पहले पानी तो डाल, आंखें जल रही है मेरी। ला 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 ला, पानी ला, पानी डाल, पानी डाल, जल्दी पानी डाल, पानी डाल। अबे साथी नहीं, आंखें जल रही है कुत्ते। चुपना चुपना, तू इतना ऊंचा है। पानी डाल। साले दगाबाजो, कैसे दोस्तों मुसीबत आते ही पेंधे को पैर ला के भाग गए। सबक सीख लिया सालो, अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो? ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था? ये नहीं बोलना चाह रहा है। हाँ बोल रहा है ऐसे करके। तो मेरी गला फट चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे, हमें लगा तुम और दादी मिलकर जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी जो कंधों पे अब तक सर बाकी है, नहीं तो तीन बार चूरा घुमाया था उसने यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप कर, सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू भुट्टी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तो लगता अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे? क्यों? तो क्या पार्वती ने चार से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही, द्रोही। अबे द्रौपदी, द्रोही। वो जो भी हो हमें क्या, वो माँ भारत है, आज का भारत है। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है, फिर तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कर लूंगा शादी उससे। शादी करेगा साला। अब और इस शहर में मैं नहीं रह सकती,
क्या है शहर में? गुंडे मवालियों का शहर। रात की बात तो छोड़ो, कोई दिन दहाड़े मेरी जान के पीछे पड़ गया। क्या हुआ दादी, पैकिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं वापस जाना चाहती हूँ नासिक, वो भी जिंदा। पर हुआ क्या, बताओ तो सही। क्या क्या बताऊं, कोई सुनने वाला हो तब ना। क्या हुआ दादाजी? उसने सपना देखा है कि कोई उसे मारने आया है। सपना? तो तुम्हारा मतलब है कोई मेरी जान लेने नहीं आया था? आया होगा, जरूर आया होगा, लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं है। जो भी तुम्हें देखेगा जान लेने की ही सोचेगा। खुद मुझे कई बार ऐसा लगा है। हे भगवान, ये मर्ज़ात। लेकिन तुम्हें मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? मैं कर पाया आज तक। और अगर तुम्हें कोई मारने आता तो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ता? ये तो अच्छा हुआ बचपन में बाऊजी ने कुश्ती सिखाई थी। धावा बोल दिया मैंने उस पर, छुरा लेकर चढ़ गई उसके सीने पे। किसके सीने पे दादी? रितु बेटा, ये शहर खतरों से खाली नहीं है, चल वापस चलते। वापस चले जाए दादी? राहुल भैया के बारे में कुछ भी पता किए बगैर? रितु बेटा, नासिक यहाँ से दूर नहीं है, वहाँ रहकर भी तो पता किया जा सकता है। नहीं, अगर हमें राहुल भैया के बारे में कुछ भी पता करना है तो हमें यही रहना पड़ेगा। आपको डर लगता है तो आप चले जाइए, दादाजी को भी साथ लेके जाइए, मुझे यहाँ किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और जब तक मैं राहुल भैया के बारे में सब कुछ पता नहीं कर लेती, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। रितु बेटा, अगर इस घर में रहना है तो पूजा तो करवानी होगी। अब भगवान को क्यों अखाड़े में उतारती हो, तुमने तो कुश्ती सीखी है ना। हर बात खीखी करके उड़ा देते हो। अरे सच में इस घर में काले साये मंडराते नजर आते हैं। कल के कल रितु के लिए हवन करवाना ही होगा। जल्द से जल्द एक पंडित का इंतजाम करो। हाँ, क्या पढ़ रहे हो, कल एग्जाम है क्या? चलो निकलते। तुम अपनी जॉगिंग शुरू करो, मैं अपनी हल्की सी कसरत कर लेता हूँ। दादाजी आप टेंशन मत लो, हम लोग आगे। गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? गोटी गलती मार। अरे मेरी गाड़ी, सुअर की औलाद। सर कौन थे वो लोग? उनका राहुल के मामले से कुछ लेना देना तो नहीं? चेहरा देखा किसी का आपने? नहीं, टोपियां थी रंग बिरंगी, लाल हरी नीली, चेहरा दिखाई नहीं दिया। खुश मिजाज था राहुल, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। हम भी हैरान है साहब, बिजनेस भी अच्छा था, निजी मामले कभी बताते नहीं थे, लेकिन ऊपरी तौर पे कभी कोई दरार भी महसूस नहीं हुई। हाँ, दरार तो अब यहाँ है, इनके माँ बाप इन्हें मेरे हवाले कर गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे संभालूंगा ये सब इस उम्र में। रितु का पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने में अभी साल डेढ़ साल बाकी है जी, उसके बाद तो यही संभालेगी ऑफिस। जी सर। तब तक आप MD की हैसियत से काम कीजिए, आपका नया मकान, इंक्रीमेंट, शेयर्स, ये सब CEO के साथ तय करके मुझे बताइए। जी सर। आइए। और एक बात, इसके बाद मैं दोबारा इस ऑफिस में नहीं आऊंगा। सर
सर ये साइन। बुरी यादों से जूझना मेरे बस का नहीं है। इसके बाद जो भी काम हो वो घर पर भेज दीजिए। सोफी, ये सोफी कौन है? पता नहीं, स्टाफ में से तो कोई नहीं। लास्ट कॉल उसे ही किया है, 6 कॉल्स हुए हैं दिन में। नहीं, हमने कभी नाम नहीं सुना राहुल जी से। पिछले महीने के मोबाइल बिल्स दीजिए मुझे। अकाउंट डिपार्टमेंट में ढूंढने पड़ेंगे, जैसे ही मिलते हैं मैं आपको पहुंचा देता हूं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? धुआं करे भगवान, तूने ये मौका दिया। साले भगवान ने मौका नहीं दिया, मैं नहीं देखता तो मौका नहीं मिलता। अबे छोड़ना, अब हम जाएंगे और जाके मेरी उसे बचाएंगे और उसकी आंखों का तारा बनेंगे। इतनी शांति क्यों है? चिलम चिली भी नहीं हो रही है। अरे साले हो सकता है जागे नहीं हो यार। दम घुट गया हो। अरे तुम लोग बातें मत करो, पाइप से पानी तो उतारो। पानी उतारो, पानी उतारो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाके कुएं में कूद। क्या? कुएं से जाके पानी लेके जा, 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 जा। छोड़ो, जल जाएगी अंदर। साले मकान में जा। हटा। बुझा बुझा। अरे थोड़ी जल्दी कर, जल्दी कर, बहुत बड़ी आग लगी है। तो तू भी अंदर घुस जा। अबे साले पीछे क्यों आते हैं? अबे इधर आग लगी है, तुम लोग बाल्टी से खेल रहे हो। अबे सैम कहाँ गया? अबे अबे साला अंदर जाके उसके सामने टिमटिम मारा होगा। दगाबाज साला, मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। साला छाती फुला फुला के डिंगे मारा होगा अकेला। सत्यानाश कर दिया हवन का। राम के पिल्ले, तू है कौन? अरे आप बात क्या क्या कर रहा है? गोटी गलती मार। डाल 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 डाल।